हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स पार्ट्स। यानी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल की डिफिनेशन देखेंगे और इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, मीडियन, एल्टीट्यूड। ठीक है, किस तरीके से हम मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। तो जनरली आप लोगों ने ट्रायंगल देखा ही होगा कि ट्रायंगल जो होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर तो है, उसके साथ ही वो एक पॉलीगन होता है। यानी सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व फिगर होता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन होने के बाद भी, अब पॉलीगन तो वो है लेकिन उसकी साइडें कितनी होती, उसकी साइडें होती है 3 साइड्स, और 3 साइड होगी तो वर्टेक्स भी कितने होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे उसके, 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है तो एंगल भी कितने बन जाएंगे उसमें, 3 एंगल बन जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल उसमें होते हैं। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं इजीली। अब हम ट्रायंगल की एक शेप तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर है वो, और पॉलीगन है, 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है और 3 एंगल्स है। तो इस तरीके से होगा ये, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक साइड इसकी ये, दूसरी साइड इसकी ये, और ये इसकी तीसरी साइड। अब यहाँ पर आपको क्लोज्ड फिगर नज़र आ रहा है, पॉलीगन भी है, यानी जिसकी 3 साइडें होती है वो पॉलीगन है, या 3 से जिसकी मोर साइड्स है वो भी क्या है, पॉलीगन होता है। तो 3 साइड्स हो गई इसके। अब आप इसके वर्टेक्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं ए लिख लूँ, बी एंड सी, यानी ये क्या हो रहे हैं, इसके वर्टेक्स हो रहे हैं और इसकी साइडें भी हो रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइडें कौन कौन सी है, ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। ठीक है, और वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे, ए बी एंड सी। अब एंगल आप देखिए, एक एंगल ये, दो दूसरा, ये तीसरा, यानी अब इसको अगर अपने को लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, सी ए बी, एंगल सी ए बी, दूसरा है एंगल ए बी सी, तीसरा है बी सी ए। यानी ए पर भी एंगल बना है, बी पर भी एंगल है और सी पर भी एंगल है। एंगल को हम इसी तरीके से लिखते हैं, जो मिड यहाँ पर पॉइंट आ रहा है वो, उस पर हमें समझना है कि एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है कि, यानी ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। अब इसके जस्ट सामने एक आपको क्या नज़र आ रहा है, वर्टेक्स नज़र आ रहा है। इस वर्टेक्स से कोई भी एक लाइन आ रही है, वो क्या कर रही है, इसके मिड पॉइंट पर आकर मिल रही है। मिड पॉइंट मान लीजिए आप डी है, यानी मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पार्टीशन, यानी ए और डी, और डी और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो थर्ड लाइन, ये जो आई थी सी और डी, यही क्या होगी, इस ट्रायंगल की मीडियन होगी। सिमिलरली हम इस वाली लाइन सेगमेंट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं मीडियन। तो ये देखिए आप, ये मीडियन है, इस वाली लाइन पर भी ड्रॉ कर दिया हमने, इसको ई नेम दे देते, और इधर से अगर हम बी से ड्रॉ करेंगे तो इस वाली लाइन सेगमेंट पर भी, इसको हमने एफ लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन ड्रॉ करी है, यानी टोटल जो नंबर ऑफ मीडियंस है वो कितनी है, 3 है। यानी 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा मीडियंस हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए।
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट वो किसी वर्टेक्स से जस्ट अपोजिट साइड पर, यानी वर्टेक्स से अपोजिट क्या आ रहा है, ये वाली ए और बी यहाँ की साइड हो जाएगी, तो इस साइड के किसी मिड पॉइंट पर आकर वो मिल रही है। यानी ये लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई, इस साइड के मिड पॉइंट पर आकर मिली, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ये जो ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट है इसको हम ओ नेम दे सकते हैं। अब जैसे इस ट्राइंगल में थ्री मीडियंस है, तो इन तीनों ही मीडियंस की जो लेंथ है वो ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल किस तरीके का है, इक्विलेटरल है, आइसोस्केलेस है, या फिर या स्केलेन ट्राइंगल है। अब हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड्स क्या होता है उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल है ये, ए बी एंड सी। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, यानी किसी भी वर्टेक्स से कोई सामने वाली साइड पर इस तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ पर आप खींचिए कि सामने वाली साइड को वो 90 पर कट करे। यानी सामने वाली जो साइड है ए बी है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बने। यानी ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से, जैसे इसको मैं यहाँ पर डी लिख लेता हूँ। अब हमने मीडियन में क्या देखा था कि जो हमारी लाइन सेगमेंट आ रही थी वो ए और बी को यहाँ पर सेम पार्ट में डिवाइड कर रही थी, लेकिन इसमें सेम पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें रूल क्या होता है कि यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इस मिड पॉइंट पर यहाँ आकर ज्वाइन होती है, तो ये क्या करती है, 90 का एंगल बनाती है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आप देखिए, इस तरीके की एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड पर क्या कर रही है, 90 का एंगल ड्रॉ कर रही है, यहाँ पर भी 90 का एंगल ड्रॉ कर रही है ये ऐसे। सिमिलरली इस तरीके भी यहाँ पर भी इस वर्टेक्स से इस साइड पर, तो यहाँ पर भी वो 90 का एंगल ड्रॉ करेगी। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल के अंदर थ्री एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड का जो मेन रूल हो जाएगा कि वर्टेक्स से आने वाली लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड को 90 पर परपेंडिकुलर कट करती है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट नहीं करती, यानी ए से लगाकर डी तक और डी से लगाकर बी तक इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। लेकिन मीडियन में क्या था, मीडियन क्या कर रही थी, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी, एल्टीट्यूड इसको 90 डिग्री एंगल पर कट कर रहा है। डेफिनेशन देखिए अब आप, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है उसकी बात कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, वर्टेक्स से आ रही है, ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। यानी यहाँ से आ रही है और इस अपोजिट साइड पर आकर मिड यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। अ ट्राइंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड, तो ट्राइंगल में थ्री एल्टीट्यूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ पार्ट्स थे इसमें, जिसमें हमने मीडियन और एल्टीट्यूड्स देखे थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।